हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अयाज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम गूगल एनालिटिक्स के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम गूगल एनालिटिक्स के सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सेपरेट सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कह लीजिए कि गूगल एनालिटिक्स के ऊपर हम एक कम्प्लीट कोर्स बना रहे हैं, जिसमें हम एक छोटे छोटे कोर्स के रूप में एक वीडियो आपको देंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, ये मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे ये सब जानने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। गूगल एनालिटिक्स इज अ वेब एनालिटिक्स सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल दैट ट्रैक्स एंड रिपोर्ट्स वेबसाइट ट्रैफिक। गूगल एनालिटिक्स गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई एक वेब एनालिटिक्स सर्विस है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को, वेबसाइट के रेवेन्यू को ट्रैक करते हैं, वेबसाइट के यूजर को, बिहेवियर को उसके, तो यहाँ पे ये सब कुछ ट्रैक करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था। गूगल लॉन्च द सर्विस इन नवंबर 2005 आफ्टर एक्वायरिंग ऑर्किन। तो गूगल ने इसको, गूगल एनालिटिक्स को लॉन्च किया था 2005 में। तो सबसे उससे पहले ये ऑर्किन नाम की एक कंपनी के पास था, गूगल ने उससे एक्वायर किया था और 2005 में गूगल ने इसे लॉन्च किया था। गूगल एनालिटिक्स अब गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का एक टूल है। गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टूल हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स तो है ही, उसके साथ साथ में गूगल डेटा स्टूडियो है, गूगल ऑप्टिमाइज है, गूगल सर्वे है, गूगल टैग मैनेजर है, गूगल डिस्प्ले एंड वीडियो 360 है, गूगल सर्च एड 360 है। तो ये सारे के सारे टूल्स हैं जो गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर है। इन टूल्स के बारे में भी हम वीडियोज बनाएंगे, इन टूल्स को हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गूगल एनालिटिक्स तीन फनल पे काम करता है, एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन। तो एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट से इंगेज होता है, तो आपने उस यूजर को क्या किया, एक्वायर किया। उसके बाद में बिहेवियर क्या है? बिहेवियर मतलब यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आया, आपकी वेबसाइट पर अगर वीडियो है उसने वीडियो देखी, अगर आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसने आपके प्रोडक्ट को देखा, तो इस कंडीशन में वो आपकी वेबसाइट के इंगेज हुआ है और आपकी वेबसाइट पे वो बिहेव कर रहा है। किस तरीके का वो बिहेव कर रहा है, किस तरीके के बिहेव करने के बाद में वो आपकी वीडियोस पे आया या आपके प्रोडक्ट पे आया, तो इस कंडीशन में उसके बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में जब कन्वर्जन क्या होता है, अब कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि वो यूज़र, जब यूज़र बिकम्स ए कस्टमर, मतलब यूज़र जब कस्टमर में कन्वर्ट होता है, तो उसको कहते हैं कन्वर्जन। मतलब आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद, या आप कोई वीडियो सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो वो सर्विसेज या प्रोडक्ट देखने के बाद में उस प्रोडक्ट या सर्विस को जब वो लेता है, तो वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके के फनल को हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक करते हैं, यही इसका काम होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करता है, ये क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको किस तरीके से ट्रैकेबल बनाएंगे। तो मैं देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से किस तरीके से लिंक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।